भाजपा नेता दशरथ भगत की मांग, वासी गांव शमशान में लगाएं चिमनी, अंतिम संस्कार से बढ़ रहा प्रदूषण, फैल रही बीमारी। वासी गांव का यही वो शमशान है जहां होने वाले अंतिम संस्कार ने नागरिकों की मुसीबत बढ़ा दी है। चिमनी के अभाव में यहां अंतिम संस्कार के दौरान उठने वाला धुआं, राख और बदबू गांव परिसर में फैल रही है, जो नागरिकों के लिए बीमारी और मुसीबत पैदा कर रही है। भाजपा नेता दशरथ भगत ने विधायक गणेश नाइक के साथ मनपा आयुक्त से चर्चा के दौरान नागरिकों की इन्हीं मुसीबतों का हवाला देते हुए शमशान भूमि में चिमनी लगाने की मांग की, जिसे आयुक्त ने भी स्वीकार कर लिया। वो जो कॉर्पोरेट जो तुरभा शमशान भूमि की चिमनी का जो मसला है, उसने बोला कि वो जल्द से जल्द होने वाले है, लेकिन वासी गांव की जो शमशान भूमि वहाँ जब डेड बॉडी जलाए जाते हैं तो सबके जो वहाँ का जो हज़ार लोग वहाँ रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, उनके उस समय उसका जो धुआँ है बॉडी का, वो पूरा आँख नाक पेट में पूरा निकल जाता है, इसीलिए वो चिमनी वहाँ जल्द से बनाई है। ये हमारे प्रमुख मांग है और उन्होंने हाँ भी बोल दिया है। बता दें कि फिलहाल वासी गांव के इस शमशान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। महानगर पालिका इसके पुनर्निर्माण पर लाखों का खर्च कर रही है। हालांकि सुविधायुक्त होने के बावजूद यह शमशान भूमि चिमनी नहीं होने से तकलीफ बढ़ा रही है। दशरथ भगत का मानना है कि यदि चिमनी बन जाती है तो इससे धुआं और बदबू बहुत ऊपर उठ जाएंगे, जिससे वासी गांव के रहवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।